जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल वीकली जी के ठीक आप पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों हम बात कर रहे थे अपने डील एंड कमांड के ऊपर, जो पार्ट नंबर 4 बात करेंगे। कल तक हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर रखे हैं, जो हमारा आपका तीसरा पार्ट और आज का जो चौथा पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। और सारी चीज मैंने एक एक पॉइंट आपको इमेज और वीडियो के साथ बताया ताकि आपके जो माइंड में ना क्वेश्चन को लेकर क्लियरिटी हो और एक स्टोरी इमेज के साथ आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आप अच्छे से डील कर सको जब आपके क्वेश्चन जो पूछे जाए आपके एग्जाम में ए बी और सी सर्टिफिकेट में। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक को लेकर, ध्यान रखना सैल्यूटिंग की। कल हमने बात करती है विसर्जन और लाइन तोड़ी है, तो भैया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, ठीक है। तो आज के हम बात करेंगे अपना सैल्यूटिंग और जो हमारा सलामी देना यानी है ना। तो सलामी देना अब ये क्या होता है, पहले तो हम एक शुरू से ही मैं आपको बता के आया हूँ कि आपको छोटा सा मतलब का हम समझेंगे चीज़ों को लेके, ठीक है। हर बात का मतलब समझेंगे बिल्कुल ब्रीफली और उसके साथ फिर उसका एक्सप्लेन समझेंगे। तो बात करेंगे सैल्यूटिंग का। सैल्यूटिंग का मतलब सलामी देना। सलामी देने का आपने देखा होगा कि जब हमारे फौजी भाई शहीद होते हैं तो उसमें सलामी देते हैं, तो है ना, सलामी देते हैं। और जब हम किसी को ऐसी मजाक मजाक में ऐसे मार देते हैं भाई सैल्यूट, कोई भी मतलब फौजी दिखता है, हम भी एनसीसी वाले थे तो हम भी मार देते थे, घर वाले मना तो अब भी मार देते हैं, तो छोटे होते हैं बच्चे, तो एक होता है। अब देखा दो तरीके से होते हैं हमारे सैल्यूट, कौन कौन से, एक तो हाथ से होगा और एक वेपन से। अब वही तरीके बताऊंगा आपको बिल्कुल जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन लिंक बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आने वाला है, नोट करते रहिए जो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। अब सैल्यूटिंग देखिए, सलामी देना मैंने आपको बता दी, सलामी देने का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना। सलामी देने का मतलब किसी को इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, ये होता है कि वो अच्छा काम करा उन्होंने अपनी फील्ड में, वो होते हैं रिस्पेक्ट देना, और अच्छा काम करेंगे उनके लिए उनको प्रोत्साहित या मतलब उनको प्रेफरेंस दी जाती है सलामी देके। तो ये मैंने आपको बताया दिया, ध्यान रखना। तो अब जो टाइप्स होते हैं मतलब सलामी के कितने होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैल्यूट, कौन कौन से, एक तो होते हैं बाय हैंड यानी हाथों के द्वारा दिया जाता है, और बाय वेपन के द्वारा दिया जाता है। अब कैसे कैसे मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। सलामी देने का मैंने आपको बता दिया, जैसे शहीद हो गए तो उनको सलामी दी जाती है ना। जो एजेजे होती है, मैंने वो कैंप कर रखा हुआ, मैंने भी दी थी अपनी एनसीसी डे पे, एजेजे कैंप कर रखा है दिल्ली से, मैं कभी बताऊंगा आपको कैसे सिलेक्शन होता है, दिल्ली में ही होता है खाली ओनली सिलेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैल्यूट आपका, एक बाय हैंड और बाय वेपन, ये बाय हैंड के द्वारा दिया था, और एक बाय वेपन यानी जो आपको वेपन्स के द्वारा। अब वेपन में भी कैटेगरी बांटती है 3 प्रकार के, कौन कौन से, और बाय हैंड में, तो बाय हैंड में 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, कौन कौन सा, एक तो होता है सैल्यूट इन फ्रंट जो मैं आपको अभी बताऊंगा, और दूसरा है सैल्यूट टू द स्लाइड। तो जो सैल्यूट, एक तो फ्रंट यानी जो बाय हैंड के द्वारा, एक तो आपका कौन सा हो गया सैल्यूट इन फ्रंट, और दूसरा हो गया हमारा सैल्यूट टू द स्लाइड यानी साइड। साइड का मतलब दो साइड, आपकी पता है दो साइड है यानी दो बाजू है, तो दो साइड होंगी, लेफ्ट राइट है ना, लेफ्ट राइट है ना। तो ध्यान रखना, एक तो आपका होगा सैल्यूट इन फ्रंट, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया सैल्यूट टू द साइड। साइड मतलब दो प्रकार के, एक तो सैल्यूट टू द राइट और एक सैल्यूट टू द लेफ्ट, अभी आपको बताऊंगा। फर्स्ट ईयर वाले थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान मत रखिए। और उसके बाद दूसरा जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर अच्छे समझ भी होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि सैल्यूट टू द साइड मतलब एक तुम्हारा ये होता है राइट और एक हमारा लेफ्ट होता है, मैंने आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। और जो बाय वेपन होता है, बाय वेपन भी 3 कैटेगराइज में बांटे जाते हैं, बाय वेपन इन अगेन इनटू डिवाइड इनटू 3 सैल्यूट, तो कौन कौन से, एक तो आपका नेशनल सैल्यूट, जनरल सैल्यूट और सलामी शस्त्र, किन किन को दिया जाता है, कहाँ कहाँ के मतलब जो किस रैंक के अधिकारी को दिया जाता है, वो सभी तमाम की जो आपकी क्वारीज है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आइए बात कर लेते हैं। तो सोच रहा हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं हो पाती है मैं, क्योंकि वीडियो देखो मेरे को अगर मैं कंप्लीट करा देना आपको, खाली 2 लेक्चर में कंप्लीट करा सकता था, मैं आपको खाली 2 लेक्चर में कंप्लीट करा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने आपको वीडियो के थ्रू पिक्चर के थ्रू उसका एनालिसिस बताया था कि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो हो सके तो इसमें हो जाएगा, वरना लास्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अभी तो देखते हैं कि हो जाए तो अच्छी बात है, और भी है ना, तो कम समय में ताकि आपको दूसरा चैप्टर में अपना स्टार्ट कर दूं वेपन ट्रेनिंग का, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलेंगे, ठीक है। तो सलामी देना मैं आपको बताया बाय हैंड और बाय वेपन। अब बाय हैंड में मैंने आपको बताया सैल्यूट इन फ्रंट, और बी जो पार्ट है सैल्यूट टू द स्लाइड, और जो सैल्यूट टू द साइड है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, सैल्यूट टू द राइट और सैल्यूट टू द लेफ्ट, यानी हिंदी में भी एक ही है, ठीक है, सामने की तरफ सैल्यूट देना सलामी देना और दाएं बाएं सैल्यूट सलामी देना। अब देखिए, अब ये देखिए ये कौन महासा दिख रहा है मेरे को पता नहीं, नाम जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन है महासा, ठीक है। अब सैल्यूट सैल्यूट इन फ्रंट यानी मान लीजिए कोई अधिकारी है आपके सामने, ठीक है, तो उसको जो हम सैल्यूट देते हैं, सैल्यूट मतलब उनको इज्जत देते हैं, तो सैल्यूट देख रहे हो आप, ये सामने ये होता है हमारा कौन सा फ्रंट इन सैल्यूट, ये कौन सा सैल्यूट है, तो ये ध्यान रखना फ्रंट सैल्यूट है, कौन सा फ्रंट, ये हमारा कौन सा फ्रंट सैल्यूट है, तो आपको ध्यान रखना, देख रहे हो जैसे ये महासा कौन है, नाम में जरूर बताना इनका, ठीक है। अब ये देख रहे हो सामने, तो ये जो है अब मेरा जो है सामने के, अब देख रहे हो ना ये फोटो, तो इसमें जो पाम है, पाम जो है बिल्कुल फ्रंट है ना, पाम इज द फ्रंट ऑन द ऑफिसर्स, तो ये ध्यान रखना ये पाम जो हमारा है बिल्कुल कहाँ होगा, ये आपको ध्यान रखना, बिल्कुल मतलब सामने की तरफ होगा, कोई दिखाई नहीं देगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना,
तो आप ये देख पा रहे हो ना, तो सामने की तरफ है ये, आपको ध्यान रखना। और पांच उंगली खुली हुई है, और जो आप ये देख रहे हो बीच वाली उंगली, ये मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पांच उंगली में से सबसे बड़ी उंगली है, जिसे हम बचपन में ऐसे खेलते हैं ना, ओ भाई ऐसे जब बच्चा रो जाता है, ओए भाई बच्चे ये बताइए कौन सी उंगली है बड़ी वाली और ये वाली, ए तू तो गलत बोल रहा है ना। तो फिर उसमें बच्चा भी चंट होता है कि भाई बच्चे को देखता है निशान ही देखता है, नाखून, अगर अंकल नाखून चापते हैं, अंकल का नाखून देखता हूँ कौन सा चापते हैं, तो बंदा वही निशान लगाता है ना, ऐसा होता है कई बार। तो फ्रेंड सैल्यूट ये हो गया, ठीक है, पांच उंगली। और जो बीच वाली है फ्रेंड बड़ी वाली उंगली है, बड़ी वाली जो उंगली है ना आंखों की बो, यानी बो का मतलब जो कलम है इसके साथ होनी चाहिए, जैसे ये दिख रही है ना इस लड़के की, ये देखो बड़ी वाली उंगली है, ये बो के साथ होनी चाहिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हमारा होता है फ्रंट सैल्यूट। अभी क्यों दिया था, मतलब फ्रंट सैल्यूट भी ऐसे नहीं कि जब मर्जी किसी को दे दो तो मुंह उठा के हुए, ऐसे नहीं देना, ठीक है। इसकी भी तहजीब होती है, एक तरीका होता है, तो तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे आगे धीरे धीरे एक्सप्लेन करता रहूंगा। आपका बस एक नींव अच्छी तैयार करूँ ताकि आप अच्छी सी बिल्डिंग खड़ी कर सको। तो ये हो गया सैल्यूट इन फ्रंट। अब होता है सैल्यूट टू द स्लाइड साइड। अब दो साइड होते हैं, कौन कौन से, एक तो सैल्यूट टू द राइट। अब ये देख रहे हो ये वाला महासा, अगर मैं एक आपको वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियो में इन तरीके से प्रॉपर आप देखोगे सेफ, तो मैं अभी फोटो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो जो मैं इधर की तरफ, अगर मैं मान लो कि मैं यहाँ और मेरे सामने पीछे है, यहाँ यहाँ आया कोई अधिकारी, तो अधिकारी है यहाँ पर, तो मैं उनको सैल्यूट दे रहा हूँ, तो मैं ऐसे करूँगा दाहिने सैल्यूट। तो यही पोस्टर बन गया मान लिया ना, ये देखो दूसरी वाली पोस्ट, ये कौन सा हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट सैल्यूट, कौन सा हो जाएगा, राइट राइट सैल्यूट, यानी इधर की तरफ। या मान लीजिए कोई अधिकारी है तो मैं उनको सैल्यूट दे रहा हूँ ऐसे, है ना, ये हमारा ये। तो ये जो कोनी है ना ये बिल्कुल 90 डिग्री बनता है ऐसे हमारी आंखों के सामने, ये है ना, जैसे ये है सामने, ऐसे ये है ना, तो सामने तो मेरे ये होंगे, फिर अगर ये होंगे तो ये बिल्कुल सामने बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हमारा हो गया राइट सैल्यूट। फिर दूसरा आता है हमारा लेफ्ट सैल्यूट। तो ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट सैल्यूट, लेफ्ट सैल्यूट, अगर मैं मिरर इमेज लगा दूं, जैसे आप पढ़ते हो रीजनिंग में, तो मिरर का अपोजिट कर दूंगा ना, तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, इधर है तो इधर हो जाएगा। तो ये देख रहे हो इधर, तो इधर कोई अधिकारी है, यानी अब इधर है, पहले इधर अधिकारी था मेरे, अब इधर अधिकारी, तो मैं ऐसे दूंगा, ऐसे दूंगा। तो ये हमारे कैटेगराइज बांटा जाता है, कह दें कि थोड़ी थोड़ी, मतलब इतना भी, ठीक है। ये तीन प्रकार के सैल्यूट होते हैं। आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी सैल्यूट इन एनसीसी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, हमारे जब रैंक पैनल होता है वहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ था हमारे सीनियर ने, तो आपको ध्यान रखना तीन प्रकार के सैल्यूट होते हैं, कौन कौन से, सैल्यूट इन फ्रंट, सैल्यूट टू राइट और सैल्यूट टू लेफ्ट। हिंदी वाले इंग्लिश वाले एक ही बात है, ठीक है, आपको ध्यान रखना तीन प्रकार के सैल्यूट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अपने बात कर ली जो टाइप्स ऑफ सैल्यूट में बाय हैंड, अब हम बात कर लेते हैं बाय वेपन, ठीक है। अब ये बाय वेपन, तो मैं आपको बताऊंगा नेशनल सैल्यूट भी, जनरल सैल्यूट भी, सलामी शस्त्र भी, ठीक है, एक एक आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये बाय वेपन भी आपको देख लेते हैं, ये आई थिंक जो स्लाइड है ना आगे पीछे हो गई है, तो कोई बात नहीं, हम पहले ये पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है आपको एक भी। तो अब देखिए हमने पढ़ लिया बाय हैंड, अब बाय वेपन की पढ़ लेते हैं। बाय वेपन, बाय वेपन का आप देखिए, बाय वेपन जो होती है ना, ये सैल्यूट इन गार्ड ऑफ ऑनर। अब गार्ड ऑफ ऑनर का मतलब, सर जी यार नई नई चीजें ला रहे हो सर आप, या भैया आप नए हो तो नई नई चीज सीखोगे भी, ठीक है, जो पुराने हैं वो इनके लिए पुरानी है, आप नए हो तो नए हो, सीख रहे हो आप, ठीक है, ये ध्यान रखना, सिखा नहीं रहे हो तो इसलिए आपको नहीं पता है ये, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं जानता हूँ इन चीज़ों को। तो बाय वेपन के द्वारा जाती है, बाय वेपन का मतलब वे हथियारों के द्वारा, यानी सैल्यूट इन गार्ड ऑफ ऑनर। गार्ड ऑफ ऑनर का मतलब होता है हम गार्ड देते हैं, गार्ड का मतलब सलामी देते हैं एक पेयरिंग में, मतलब सलामी देते हैं, आठ की पेयरिंग होती है, जो आप एनसीसी में जब आओगे ना सेकंड ईयर में, तो धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। गार्ड ऑफ ऑनर होती है हमारी, जो गार्ड मतलब उसमें आपके 6 कैडेट्स होते हैं और एक कमांडर होता है, एक संतरी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना, 6 कैडेट्स होते हैं उसमें, मतलब जो उनका सहायता करते हैं, और एक कमांडर और एक होता है संतरी जो सबसे पहले कार्रवाई करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सैल्यूट गार्ड ऑफ ऑनर, तो बाय वेपन के द्वारा वो दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने तीन प्रकार के बताए थे, नेशनल सैल्यूट यानी राष्ट्रीय सैल्यूट, एक जनरल सैल्यूट और एक सलामी शस्त्र, तीन प्रकार के सैल्यूट होते हैं बाय वेपन द्वारा दिए जाते हैं। अब जो नेशनल सैल्यूट है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है भैया ध्यान रखना, जो नेशनल सैल्यूट यानी टू हुम, टू विच, टू हुम नेशनल सैल्यूट इज गिवन, तो जो नेशनल सैल्यूट है वो राष्ट्रीय सैल्यूट है किस किस को दिया जाता है। अब ऐसे नहीं भैया मुंह उठाए किसी को भी दे दिया, भैया इसके भी तौर तरीके होते हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया। तो नेशनल सैल्यूट यानी राष्ट्रीय सैल्यूट किस किस को दिया जाता है, तो यहाँ पर जो एक प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर को ना थोड़ा मिटो दो आप, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यह ना गलती से टाइप हो गया, तो आपको भी पढ़ लो, इसे मत लिखना, मैं आपको इसकी जगह और कोई है वो आपको भी बताऊंगा, ठीक है, तो उसकी जगह है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो काट लेना लिखना मत, ठीक है। तो नेशनल सैल्यूट दिया जाता है किसके दिया, ध्यान रखना, प्रेजिडेंट को दिया जाता है, प्रेजिडेंट यानी राष्ट्रपति को और गवर्नर को, और तीसरा जो दिया जाता है वो आप लिख लेना किसको दिया जाता है। तो मैं यहाँ पेन का जो कलर है, पेन के साथ कलर यहाँ पर लिख दूँ ताकि ना आपको अच्छे से समझ में आनी चीज़ें, ठीक है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, रटाऊंगा नहीं एक भी चीज़, ठीक है, समझाऊंगा। उसके बाद तीसरा जो दिया जाता है वो दिया जाता है नेशनल फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसकी जगह ये है, ठीक
ठीक है और अच्छे से लिख देता हूँ। ए अब आगे ना तीसरा किसको दिया था तो ध्यान रखना, नेशनल फ्लैग को, ये आपको क्या है ध्यान रखना है ठीक है। तो नेशनल सैल्यूट किसको दिया जाता है आपको ध्यान रखना है, तो नेशनल सैल्यूट सर तीन को दिया जाता है, आपने पता चल गया और मैंने आपको बता दिया। तो कौन कौन सा दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना, नेशनल सैल्यूट दिया जाता है आपको ध्यान रखना, प्रेसिडेंट को दिया था, गवर्नर का नेशनल और नेशनल फ्लैग। अब सर इनको ही क्यों दिया जाता है तो यार एक चीज़ देखो, कॉमन सेंस लगाओ। हु इज द, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या रहेगा सर? प्रेजेंट, बिल्कुल सही यार। मैं बोलूँगा आपसे हु इज द सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया, बोलोगे सर आप उपराष्ट्रपति। तो मैं अगर बोलूँ किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, भैया राष्ट्रपति को मिलती है। जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले मून पर कदम रखा था, दूसरे ने रखा था, दूसरे को कोई नहीं जानता, पहले का मेरे को भी पहले का ही पता है ना। तो पहला जो व्यक्ति होता है उसकी जान पहचान ज़्यादा होती है ना। तो ऐसी जो गवर्नर है, अब मैं बोलूँ हु इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट, तो आपका आंसर क्या रहेगा? गवर्नर। तो गवर्नर जो है ना प्रथम नागरिक है राज्य का, लेकिन जो भारत का प्रथम नागरिक है प्रेजिडेंट का, प्रेजिडेंट ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके आर्टिकल 62 में मेंशन कर रखा है कि देयर शैल बी अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और तीसरा होता है नेशनल फ्लैग, भैया ये तो नेशनल फ्लैग है भारत का, ये पहला जिससे हमारी पहचान होती है। तो हर में पहला को हमने क्या दे दिया? नेशनल सैल्यूट। तो ये ध्यान रखना किस किस को दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि नेशनल सैल्यूट किस किस को दिया जाता है, तो आपका ध्यान रखना प्रेजिडेंट को दिया था, गवर्नर को दिया था और नेशनल फ्लैग को दिया था, आपको ध्यान रखना। दूसरा है वायु वेपन के द्वारा जनरल सैल्यूट, जनरल सैल्यूट किस किस को दिया जाता है, तो ध्यान रखना आर्मी में रैंक होती है हमारी कमीशन और नॉन कमीशन, तो वो भी आपको बताऊंगा जब आपकी हमारी स्लाइड आएगी है ना ड्रिल मूवमेंट। तो अभी आप ये थोड़ा मोटा मोटा समझ लीजिए, जनरल सैल्यूट जो रहता है ना, जो मेजर जनरल, मेजर जनरल की रैंक होती है, मेजर जनरल का मतलब जिसमें आपको पता होगा एक स्टार होता है और एक आपका तीर होता है मतलब तरवाल का जैसा, तो मेजर जनरल और उनके जो ऊपर की अधिकारी रैंक होती है, मेजर जनरल के बाद फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर उसके बाद जनरल और फिर उसके बाद फिर फील्ड मार्शल, जो मतलब आपका अभी तक तीन बने हुए हैं ना, अर्जुन बने हुए हैं और अर्जुन जो नेवी के है, उसके बाद सैम मानेकशॉ और के एम करियप्पा जो आर्मी के, दोनों ठीक है। ये लिख लीजिए, मैंने जो भी बोला है ये एग्जाम पूछा जाता है, मैं आपको बताऊंगा लेकिन फिर लिख लीजिए। जनरल सैल्यूट दिया रखना आपको दिया जाता है मेजर जनरल है उनके ऊपर रैंक की, और एक सलामी सत्र। अब सलामी सत्र किसको दिया जाता है, तो ध्यान रखना ऑल रेस्ट ऑनरेबल पर्सन, यानी जो भी मुख्य अतिथि थी है जो बचे हुए, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इन सभी को मतलब क्या दिया जाता है, सलामी दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना। आप कभी देखोगे ना आरडीसी परेड, तो उसमें सलामी सत्र दी जाती है प्रधानमंत्री को, ठीक है। ऑल रेस्ट ऑनरेबल पर्सन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल सैल्यूट, प्रेजिडेंट, ये सभी तमाम को दिया जाता है, आपको समझ में आ गया। तो इसमें आप, मैं ये भी बात बताऊंगा आपको जो रेस्ट ऑनरेबल पर्सन कौन कौन है, या भी सोच रहे सर ये रेस्ट ऑनरेबल पर्सन कौन कौन है, मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए, सारी चीज लाया हूँ आपके लिए, ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा इससे। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर, यानी अगर हम गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर का मतलब हम बाय वेपन से किसी को इज्जत दे रहे हैं, चाहे अब बाय वेपन से मतलब इज्जत दे रहे का मतलब है कि मतलब जो प्रेजिडेंट और जो गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर और जो तमाम अतिथि आते हैं उनको मतलब कैसे कैसे दिए जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रेजिडेंट को गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है उसमें एनसीसी कैडेट को द्वारा जो गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है प्रेजिडेंट को, उसमें कैडेटों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना कैडेटों की संख्या होती है जो प्रेजिडेंट को दी जाती है 100 कैडेट्स, 100 कैडेटों की संख्या होती है, जिसमें तीन विंग, तीन विंग का मतलब इसमें आर्मी भी है आपका, ठीक है, उसमें नेवी भी है और भैया उसमें एयर भी है, तो तीन विंग दी जाती है, इक्वल कैडेट्स होते हैं इसमें, ध्यान रखना 150 कैडेट्स में तीन विंग्स के इक्वल कैडेट्स होते हैं। अब बोलोगे सर 150 में तीन तो नहीं बढ़ सकता, 3 × 15 बिल्कुल बटेगा यार, 3 × 15 50 50, तो 3 × 15 यानी आपको समझना ठीक है, हम 150 कैडेट्स है तीन विंग के, आर्मी नेवी और आपका एयर। दूसरा बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को 100 कैडेटों की संख्या से, एनसीसी कैडेटों की संख्या से आपको ध्यान रखना है ये दी जाती है सलामी सत्र, यानी जो नेशनल से वो आपको जो मतलब गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है ना प्रेजिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, वो 100 कैडेट्स की दी जाती है, जिसमें दो या तीन, कभी कभी मैं कन्फ्यूज रहता हूँ, मतलब कन्फ्यूज नहीं, एक्चुअली मैंने देखा है कहीं बुकों में और कहीं, तो दो या तीन, तो मैं यहाँ तक मैंने सुना है और मैंने कुछ पढ़ा हुआ है ना, तो दो विंग के इक्वल कैडेट्स होते हैं जिसमें आपके आर्मी और नेवी होते हैं, ठीक है, एयर के नहीं होते हैं, तो आर्मी एयर के होते हैं, आर्मी और नेवी के होते हैं, किसमें? प्राइम मिनिस्टर में 100 कैडेट्स उसमें। और ध्यान रखना गवर्नर, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनको दी जाती है 50 कैडेट्स, 50 कैडेट्स बाय टू विंग। टू विंग कौन कौन सी, तो आपको ध्यान रखना है आपकी आर्मी और नेवी, ठीक है, फिर भी आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि कौन सी विंग होती है, ठीक है, जांच पड़ताल करके। अब बोलोगे सर ये जो प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अंतर क्यों, 50 का भैया प्रेजिडेंट है उनका ओहदा बड़ा है, ओहदा का मतलब उनका पद बड़ा है, और प्रेजिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का छोटा है उनसे, लेकिन शक्तिशाली तो प्राइम मिनिस्टर है यानी हमारा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही अंतर है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है प्रेजिडेंट में 150 कैडेट होती है, मतलब कितने कैडेटों के द्वारा जाती है, कितने विंग होते हैं, तो भैया इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए कि सर सीएम में कितना है, तो सीएम में भी ध्यान रखना जो आपके चीफ मिनिस्टर है सीएम स्टेट के,
ये आपको ध्यान रखना है। जो सीएम है, सीएम को भी ध्यान रखना कितनी जाती है, तो सीएम को भी 50 होती है, 50 कैडेट्स, जिसमें भी टू विंग होती है, आपको ये ध्यान रखना। तो लिख लीजिए ठीक है, ये सारी मेंशन ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी नेशनल फ्लैग के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया टू हुम इज द नेशनल सैल्यूट गिवन, यानी नेशनल सैल्यूट किस किस को दिया जाता है, तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन पूछा जाता है नेशनल सैल्यूट किस किस को दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना नेशनल फ्लैग को दिया जाता है ना, प्रेसिडेंट को दिया जाता है, और स्टेट गवर्नर को दिया जाता है ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ी मैं ना पहले प्रेसिडेंट की बात बता दूँ, आपको बता दी मैंने, हेड होता है, प्रथम नागरिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है, और कुछ ज़्यादा बारे में ध्यान नहीं रखना। स्टेट गवर्नर का मैंने आपको बता दिया कि प्रथम नागरिक होता है राज्य का ठीक है। लेकिन नेशनल फ्लैग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, कि जो नेशनल फ्लैग है, ये देख रहे हो आपने सारे भारत, जहाँ से अच्छा अभी देखे होंगे आपने गोल्ड मेडल जीता है फर्स्ट किसने, तो जो नायब सूबेदार है ना, सूबेदार सॉरी नायब सूबेदार नहीं, सूबेदार यानी 2 स्टार होते हैं, और नायब सूबेदार में 1 स्टार होता है। सूबेदार कौन है आपको पता होगा, नीरज चोपड़ा, तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, आप सभी को पता होना चाहिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो। तो जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय सैल्यूट है, आपको ध्यान रखना है, जो डिजाइन किया है, डिजाइन किया है वो किसने किया, पिंगली वे ने किया, पिंगली वे क्या, पिंगली ठीक है। तो किसने किया है आपको ये ध्यान रखना, अच्छे से लिख देता हूँ मैं आपको, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए आपको ठीक है। तो है ना, तो किसने दिया, तो डिजाइन दिया है पिंगली वेके ने, पिंगली वेके, ये आपको ध्यान रखना है। अडोप्टेड यानी जो अपना नेशनल फ्लैग है इसको अडोप्ट कब किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। तो अडोप्ट किया गया था इसको 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947 को। लेकिन आपको पता होगा अगर आपने लाहौर अधिवेशन सुना था, 1929 में हुआ था, और उससे पहले कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, तो जो कलकत्ता अधिवेशन में 1 साल का टाइम दिया था नेशनल, वो उनको नेहरू जी ने, मतलब गांधी जी ने नेहरू जी को क्या कहा था कि उन्होंने ना, मतलब जो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए कर रहे थे, मतलब साइमन वो कह रहे थे नेहरू रिपोर्ट में कि हमें ना डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, लेकिन भैया जवाहरलाल नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू के जो बेटे थे जवाहरलाल नेहरू, वो कहते थे हम डोमिनेंट स्टेट नहीं, पूर्ण स्वराज, गेट पूर्ण स्वराज, कह रहे तुम डोमिनेंट स्टेटस लेके दिखा दो, कह रहे हम लेके दिखा देंगे, कह रहे नहीं लेके दिखाया ना, तो भैया उन्होंने नहीं लिया। तो उन्होंने 1929 में जो हर दिसंबर में हर साल नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम डोमिनेंट स्टेट को नहीं लेते, पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। और उन्होंने भैया उसी दिन मध्य रात्रि के समय जब मीटिंग हुई थी, मतलब लाहौर सेशन हुआ था 31 दिसंबर आपका लाहौर में, तो वहाँ पर लाहौर में कह रहा हूँ उसमें, हाँ लाहौर में ही, तो उसमें भैया उन्होंने क्या था कि रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे ना जो आपका नेशनल फ्लैग है 3 रंग का, उन वहाँ वो अडॉप्ट किया था, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। इसका रेशियो कितना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसका रेशियो है ना 2:3 है, ये देख रहे हो ना आप, 2:3 यानी इसका 2 और इसका 3, ये 3:3, 2:3 आपको ध्यान रखना है। इसका जो कलर है कितने कलर है, तो 3 कलर है आपको पता होना चाहिए, 3 कलर। तो 3 कलर कौन कौन से आपको ये ध्यान रखना है, एक तो हमारा सैफ्रॉन कलर है, सैफरॉन कलर है, दूसरा कलर जो हमारा व्हाइट है, लिख लेना ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर वाले तो खासतौर पे, जिसका एक सर्टिफिकेट भी देगा स्कूल के लेवल पर। तो ग्रीन जो सैफरॉन होता है, सैफरॉन जो हमारा होता है ना वीरता, वीरता का प्रतीक होता है, सिंबल किसका होता है, वीरता का, वीरता का मतलब जो केसरिया आजकल देखा होगा आपने, शाखा नाम सुना होगा ना, वीरता, वीरता जो होता है हमारा ध्यान रखना वेलर, यानी ये शक्तिशाली को एक दर्शाता है, यानी वेलर। और एक व्हाइट होता है हमारा पीस को दर्शाता है, पीस शांति, और ग्रीन का मतलब होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को दर्शाता है। पर ये ज़्यादा ध्यान रखना, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये बता दिया ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो गार्ड ऑफ ऑनर इज गिवन टू हुम, यानी जो गार्ड ऑफ ऑनर है यानी एनसीसी कैडेट द्वारा किन किन को दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ठीक है, अटक सकता है क्वेश्चन आपके यहाँ पर, क्वेश्चन तो किसको दिया जाता है, मैंने आपको बताया प्रेजिडेंट को दिया जाता है, गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है, गवर्नर को दिया जाता है, वाइस प्रेजिडेंट गवर्नर को दिया जाता है, सीएम को दिया जाता है, डिफेंस मिनिस्टर को दिया जाता है, वाइस डिफेंस मिनिस्टर को दिया जाता है, डीजी एनसीसी को दिया जाता है, वो तो हेड है हमारे, उनको तो देना चाहिए है ना। 3 विंग ऑफिसर्स के दिया जाता है, यानी 3 विंग के जो ऑफिसर्स हैं उनको दिया जाता है, डिफेंस सेक्रेटरी को दिया जाता है, और चांसलर को दिया जाता है, जो यूनिवर्सिटी के होते हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ पर ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक बात कर लेते हैं, साइजिंग एंड फॉर्मिंग, साइजिंग एंड फॉर्मिंग। साइजिंग फॉर्मिंग का मतलब, साइजिंग का मतलब देखिए, आप टी शर्ट का साइज लेते हो तो उसमें पूछते ना सर जो भी है, गर्ल्स बोलते हो ना एम या लॉन्ग, मतलब जो मीडियम एक्सएल, ये सभी मतलब साइज लेते हो है ना। और फॉर्मिंग का मतलब उनको सजाते हैं, सजाना का है ना तरीके से। अगर आपका कहीं देखा होगा कि जब आप कपड़े लेने जाते हो, तो वहाँ आप जो पूछते हो यार एम, तो एम वाली में लाइन लगी रहती है कलर के भी यहाँ पर, कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, उसकी फॉर्मिंग होती है।
ये बच्चों की है, फिर उसके बाद बड़ों की है, वो सभी। तो ऐसी हमारा एनसीसी में फॉर्मिंग होती है। तो ध्यान रखना, साइजिंग और फॉर्मिंग में हम चार वर्ड पढ़ेंगे। क्या वर्ड आपको पढ़ाएंगे इसमें? नंबरिंग पढ़ना आपको पढ़ा है, खुली लाइन और क्लोज लाइन और सर्ज लाइन। भैया यहीं से ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी साइजिंग एंड फॉर्मिंग से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चार आपको ध्यान रखना है, नंबरिंग, ओपन लाइन, खुली लाइन यानी क्लोज लाइन, निकट लाइन यानी सर्ज और दाहिने सर्ज। वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबरिंग, नंबरिंग का मतलब ये आपको ध्यान रखना है। नंबरिंग का मतलब जो हमारे एनसीसी कैडेट होती है उनकी जो फाइल होती है उनको नंबर के आधार पर, नंबर का मतलब आधार पर, जैसे कोई बड़ा, ये यहाँ फोटो देख पा रहे हो, ये गर्ल्स है, तो ये जो गर्ल्स है यहाँ पर सबसे बड़ी है, मतलब सबसे बड़ी का मतलब हाइट में, तो हाइट है। उसके बाद मतलब इस सीक्वेंस वाइज में मतलब नंबरिंग के साथ खड़ा करा जाता है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर उनके सारे पीछे है ना, ये अपना नंबरिंग के साथ करा जाता है हाइट अनुसार। अगर आपको काउंटिंग करनी है इस फाइल की, पूरी की काउंटिंग करनी है, तो आपको जो फ्रंट लाइन है, एक नंबर इसे दे दिया, दो इसे दे दिया है ना, तीन यहाँ दे दिया, चार ये दे दिया, पाँच ये दे दिया, छः यहाँ दे दिया, सात यहाँ दे दिया, आठ ये दे दिया, नौ ये दे दिया, दस ये दे दिया, ग्यारह दे दिया। अब ग्यारह लाइन है आगे की और हर लाइन में दस दस है, तो मैंने ग्यारह मल्टीप्लाई दस कर दिया, तो कितने कैरेट खड़े हैं यहाँ पर? 110। तो ये ऐसा हम निकालते हैं नंबरिंग से। तो आपके एनसीसी में यही होता है। और जब से गिनती शुरू होती है ना, दाहिने से शुरू कर, तो यही सबसे पहले जो कैरेट्स है यही सबसे पहले बोलेंगे या बोलेगा जो भी खड़े होंगे यहाँ पर, तो यही बोला जाता है, ग्यारह तक बोला जाता है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देता है उनके पीछे कितने नंबर। तो ये हमारा होता है नंबरिंग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओपन लाइन। अब भैया यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं चालू। खुली लाइन, निकट लाइन मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा, पहले आपको समझा देता हूँ ओपन लाइन होती क्या है। ओपन लाइन का मतलब खुली लाइन। देखिए ओपन का मतलब क्या होता है? खोलना। अब मान लीजिए आप एक कमरे में बंद हो, यानी गाना सुना होता ना, हम मैं तुम एक कमरे में बंद हो गए और चाबी खो जाए। अब भैया चाबी खो जाती है और बाहर से किसी की आवाज़ आ जाती है चोर वोर की, तो आप थोड़ी भागने की कोशिश करोगे किसी की बात, और भाई आ जाना बाहर है ना, मम्मी पापा ने घर बंद कर दिया तो बाहर नहीं जाएगा, और भैया दोस्त बुला रहे क्रिकेट खेलने, आ जाना भाई है ना, गर्ल्स मतलब बैठे हुए और मम्मी पापा जाने हुए, भाई चल लेना मोमोस वोस खाने है ना, तो ये सभी चीज़ें होती है। तो उस समय मैं पुकार रहा है कोई, तो पुकार रहा था हम भागेंगे, ओपन यानी ओपन गेट खोलेंगे तुरंत जाएंगे। तो सेम ऐसी प्रोसेस है। क्या होता है कि एक हमारी फाइल होती है जो आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा, इसमें मैंने पार्ट कट कर रखे हैं, लेकिन आपको मैं आने वाली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो कोई हमारी फाइल है, वो चल के आ रही है, फाइल चल के आ रही है। तो जैसे आप देख रहे हो ये सभी एक जगह खड़े हुए बिच्चम बिच्चा। अब भैया जैसे ही इनको एक कमांडर है, यानी जो हमारे दिल्ली के ही है, तो इस कमांडर ने इनको ना आदेश दिया, क्या दिया? ओपन लाइन। अब भैया जैसे ही ओपन लाइन बोला, भैया ये तो भैया भाग लिए बैट बॉल खेलने, बैट बॉल खेलने का मतलब इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी अपनी। तो भैया इन्होंने कार्रवाई शुरू करी, तो ये आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब ये जो आप तीन लाइन देख रहे हो, ये पहली लाइन है, तीन लाइन होती है आपकी, ध्यान रखना। इसमें जो आपकी ओपन लाइन या क्लोज लाइन या आपकी जो गार्ड होती है, मतलब जो सलामी देते हैं, आपको बताऊंगा, ये तीन लाइन होती है। एक लाइन ये पीछे आप देख रहे हो, दो लाइन, और पीछे आप देख रहे हो तीन लाइन। तो ये तीन लाइन होती है, आपको ध्यान रखना, ये फ्रंट लाइन इसे नाम दे लीजिए, अभी इसे दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। तो मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, अगर जो कमांडर है वैसे ही बोल दिया उन्होंने ओपन लाइन, तो जो ओपन लाइन है ना, फर्स्ट लाइन यानी जो फर्स्ट लाइन है, यानी पहली लाइन है ना, वो डेढ़ कदम आगे स्टेप लेगी। डेढ़ कदम का मतलब अगर ये पैर है, ये दोनों पैर हैं इनके, अगर इन्होंने पहला, अब ध्यान रखना एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एनसीसी में जो भी कार्रवाई होती है, एनसीसी में जितनी भी कार्रवाई होती है, आगे बढ़, पीछे मुड़, मुर्गा बंद, इधर उधर भाग, सभी मतलब जो भी मतलब एक्टिव वे में होती है, ड्रिल होती है, मार्चिंग होती है सभी, तो वो जो होती है ना लेफ्ट पैर से शुरू होती है। ये आपको ध्यान रखना है, यही हमारा एक मेजर पॉइंट है, लेफ्ट पैर से शुरू होती है। तो ये जैसे इन्होंने बोला खुली लाइन चल, तो ये जो कैरेट्स है ना, ये एक कदम तो अपना आगे रखेंगे, ये दोनों पैर हैं, तो एक कदम आगे रखेंगे, मतलब ये वाला जो पैर है इससे एक कदम यहाँ रख दिया इन्होंने आगे, और फिर एक रख दिया, तो भैया इनके बीच के गैप बन जाएगा, तो है ना, जो आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा, तो गैप बनेगा, तो भैया आधा कदम यहाँ रखेंगे यहाँ, तो ये आधा, तो आप ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का एक हो गया और ये आधा, यानी डेढ़ कदम हो गया। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ, जब खुली लाइन होगी ना, तो खुली लाइन में जो बीच वाली लाइन है वो मूवमेंट नहीं करती है, पहली और लास्ट वाली मूवमेंट करती है। खुली लाइन में जो आगे वाली लाइन है वो आगे आ जाती है, और खुली लाइन में जब आदेश आता है तो पीछे वाली लाइन है वो पीछे चली जाती है। तो मैं यहीं लिख रखा है क्या, फर्स्ट लाइन में डेढ़ कदम कदम आगे बढ़ती है फर्स्ट वाली लाइन, और थर्ड वाली लाइन डेढ़ कदम पीछे बढ़ती है। अब ये कैसे है सर, आप समझ नहीं आ रहा यार, आप समझ में आएगा जो मैंने बोला है ना, अब उसे माइंड में रखना, अब आपको वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए ठीक है। अब एक पॉइंट आपको क्या है समझ में आने लग जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं वीडियो दिखा देता हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेता, धुन से सुनिए, ये देखिए, अब देखिए जैसी बोला, अब मैंने बोला ना जैसे खुली लाइन, एक एक बताऊंगा, जैसी बोला क्या खुली लाइन चल, खुली लाइन का मतलब ओपन लाइन, तो मैंने बोला ना डेढ़ कदम, तो देखो इन्होंने पहला स्टेप, अब ये मैं एक मिनट,
हाँ, तो ये देख रहे हो पहला स्टेप। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना दो पैरों थे इनके साथ, अब इन्होंने पहला स्टेप ये ले लिया और मैंने बताया था गैप बनेगा। अब इसके बाद फिर आधा स्टेप लेंगे, तो आधा स्टेप ना इनका पूरा मतलब यहाँ तक नहीं आएगा वो, इनका स्टेप यहीं तक रह जाएगा यहाँ। तो इन्होंने आधा स्टेप लिया तो आपको भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये स्टेप लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब ये देखना, मैं दोबारा वीडियो को प्ले कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए ये देखो, एक स्टेप लिया फिर उसके बाद आधा स्टेप लिया ये। तो ये हमारी क्या होती है, ध्यान रखना, ओपन लाइन होती है। एक बार और देख लीजिए, आपका मन ललचल चाह रहा होगा तो एक बार और देख लीजिए, कोई बात नहीं, हम दोबारा चला लेते हैं। ये देखिए, तो दोबारा हमने चला दी, ये देखिए, ये पहला स्टेप ये, फिर उसके बाद छिक छिक पे करना होता है, ठीक है, एक दो, तो ये दो, ठीक है। तो आगे वाली तो ध्यान रखना, आप देखो ये देख रहे हो यहीं से क्वेश्चन आपके बनने चालू हो जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो जैसे इन्होंने यहाँ थे, यहाँ सभी अब डेढ़ खुली लाइन बोला तो ये आगे हो गए। अब ध्यान रखना, जब ये पहले खड़े थे तो इनके बीच का गैप कितना था, 1-1 मीटर था, एक कदम का स्टेप था, यानी जब ये खड़े थे ना इक्वल में, तो एक कदम था। अब ये एक कदम का गैप था पहले और दूसरे के बीच में, जब यहाँ कुछ ओपन लाइन की कार्रवाई नहीं हुई थी। जब ओपन लाइन की कार्रवाई हुई तो पहली वाली 1.5 कदम आगे आ गई, पीछे वाली एकदम पीछे आ गई। तो अब मेरे को ये बताइए कि जो पहली और दूसरी यानी बीच वाली मूवमेंट तो का नहीं करती है, ध्यान रखना, ना ओपन में करती है ना क्लोज में करती है। तो इन दोनों के बीच में पहले जो एक था, अब ओपन लाइन में 1.5 कदम आ गया होगी, तो कितने का गैप हो गया, 2.5 कदम का, 1.5-2.5 कदम का। ऐसी जो दूसरी लाइन है और उसके तीसरी वाली लाइन है, तो उनके बीच कितने का स्टेप हो गया, 2.5 का। अब मैं आपसे पूछूं कि पहली और तीसरी लाइन में कितने का गैप हो गया, तो भैया 2.5 और 2.5 यानी 5 का। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे समझ में आ रहा है, दिल से वीडियो को लाइक करना, पहली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लोज लाइन। क्लोज लाइन का भी बिल्कुल अपोजिट में है, इसका ध्यान रखना। अब यहाँ देख पा रहे हो वही फोटो है, मतलब फोटो का मतलब, अभी रुक जाइए यार, सर आप बड़ी जल्दी कमांड दे रहे हो, हमने चालू भी नहीं करा आपको। चलिए मैंने आपको बोला देखिए वही खड़े हुए थे, अब ये देखिए, अब ये जो वीडियो है मतलब जो फोटो है, मतलब वीडियो के थ्रू ये जो है ना, अब ये निकट खुली लाइन पे थे। खुली लाइन होती है पहले, उसके बाद निकट लाइन होती है, ध्यान रखना, पहले ओपन लाइन होती है फिर क्लोज लाइन होती है। तो जहाँ पहले थे मतलब अब जो खड़े हुए हैं, अब इनके बीच का गैप कितना है, पहले वाली फाइल है ध्यान रखना, ये 2.5 स्टेप था, है ना, यहाँ से ये 2.5 स्टेप, और इन दोनों के बीच जो था वो कितना था, 5 स्टेप था, 5 स्टेप, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो क्लोज लाइन है, क्लोज लाइन में क्या होता है कि जैसे हम आगे वाली लाइन 1.5 कदम आगे आई थी वो पीछे हो जाएगी, और जो पीछे वाली लाइन पीछे हुई थी वो आगे हो जाएगी, लेकिन बीच वाली नहीं। फाइल ले लेगी भैया, तू फाइल ले लेगी तो तेरे को मैं भूत बना दूंगा। भूत क्या भैया, होता है जब मतलब फास्ट होता है ना तो गड़बड़ कर देते हैं, उनके सीनियर भैया डांटते हैं, हमने तो देखा है ना। तो पहली लाइन यानी जब क्लोज लाइन दिया था, पहली लाइन 1.5 कदम पीछे लेती है, और तीसरी लाइन जो थर्ड वाली लाइन वो 1.5 कदम आगे बढ़ती है, यानी जैसे खड़े थे ना जब उन्होंने ओपन लाइन करा था, तो उसी स्थिति में आ जाते हैं, उसी स्थिति में आ जाते हैं। अब वीडियो को देख लेते हैं, ये स्टार्ट में कर दूं, ये कर देते हैं। चलिए ये लो, अब देखो निकट लाइन, अब देखा निकट लाइन, ये पीछे ले रहे हैं कि 1.5 स्टेप द्वारा वापसी, ये 1.5 स्टेप जहां से आए थे वहीं आ गए। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर कमांडर आपको निकट लाइन बोले, तो निकट लाइन बोले तो उसमें आप का निकट लाइन में जो पहली यानी निकट लाइन में जो पहली और दूसरी के बीच का कितना अंतर होगा, तो ध्यान रखना, अब 1.5 कदम, 1 कदम से पहले खुली लाइन में 1.5 कदम आ गए, 2.5 हो गया, लेकिन वापसी आ गए तो भैया 1 कदम हो गया, तो दोनों में 1 कदम होगा, ध्यान रखना, है ना। अगर बात करूँ तीसरी और दूसरी के बीच में कितने का अंतर होगा, तो भैया वही सेम होगा, 1.5 कदम। अगर मैं आपसे बोलूँ पहली और तीसरी के बीच में कितने का कदम होगा, तो 2 कदम। तो अच्छे समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है, जो है ना समझ में आ रहा है ना, तो थम्स अप करके जरूर बताना और कमेंट में जरूर बताना। देखो चल रहे हो ना कदम, ये 1.5 कदम ही लेंगे, 1-2, ठीक है। अभी सर बोलोगे सर क्वेश्चन ही बनता है कि सर जो एक स्टेप लिया कितने इंच का लिया, और जो आधा स्टेप लिया कितने इंच का लिया। यार सबर करो, सबर करो, सबर का फल मीठा होता है यार, मैं समझाऊंगा ना एक एक चीज़ वीडियो के थ्रू, इसलिए तो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। बस आपको करना है कि आपने बड़ी शो शेयर जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि इस वीडियो कैसे अच्छी लग रही है। चलिए हमने 3 बात कर ली, साइजिंग वाइजिंग में, साइजिंग और फॉर्मिंग में, एक तो नंबरिंग बात कर ली है ना, ओपन लाइन की बात कर ली, और साथ ही साथ हमने क्लोज लाइन और सच है ना क्लोज लाइन की बात कर ली, आपको ध्यान रखना है। अब चौथी जो हमारा पार्ट रह गया वो रह गया सच दाइने सच। अब सर जी सच दाइने सच क्या होगा ये मुझे बताइए यार, अभी आपको ना बड़ा डाउट लग रहा होगा, पहले हमें भी समझ में नहीं आता था, फर्स्ट ईयर में थे, लेकिन हमने फर्स्ट ईयर में इतना कुछ सीख लिया कि हमने परफॉर्मिंग करने चले गए थे, है ना, परफॉर्मिंग का मतलब गार्ड होना, सारी चीज़ सीख चुके थे। तो साइजिंग एंड फॉर्मिंग का मतलब देखिए, सज दाइने सर, आपने 3 बता दिए, नंबरिंग, खुली लाइन और क्लोज लाइन, ये जो सभी एक्टिविटी होती है ना, ये एक ही उसमें होती है एक्टिविटीज, जब हम कंपटीशन में जाते हैं। अभी तो मैं आपको पार्ट कट कट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना।
नंबरिंग की बात कर ली, खुली लाइन की चली, क्लोज लाइन की बात कर ली, सच दाहिने सच की। अब सच दाहिने सच क्या होता है? सच दाहिने सच का मतलब पहले तो ये समझ लीजिए क्यों कराते हैं। अब मान लीजिए देखो, अब ये जो कैरेट खड़े हैं, अब इन कैट्स की जब पीरियड खत्म हो जाएगी तो ये जो कैट्स खड़े हैं ना यहाँ पर, इनके अब इनका ग्रुप आएगा, इनका ग्रुप यहाँ से चल के आएगा। अब जब यहाँ से चल के आएगा तो भैया ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ये लाइन खींच दी तो इसी लाइन पर चल के आएगा, अगर नहीं आएगा तो बैंड करा दिया जाएगा। बिल्कुल भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसी लाइन पर इस लाइन पर भैया मूवमेंट हो रहा था, तो हर मूवमेंट में हल्का उधर इधर उधर होगा, कोई इधर होगा कोई इधर होगा, कोई भारी भरकम का इनाम, मतलब भारी मतलब थोड़ा सा ही भारी होगा, इधर उधर फैल जाते हैं क्योंकि भैया पत्थर है, जूते हैं, तो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो क्या होता है कि जब इधर से उधर चल के आते हैं ना, तो ऐसे में थोड़ी इनकी फाइल बिगड़ जाती है। तो उस फाइल को सही करने के लिए जो कार्रवाई कराते हैं, उस कार्रवाई को कहते हैं सच दाइने सच। उसके बाद फिर निरीक्षण होता है, उसके बाद फिर सिक्स टर्निंग होती है जो आपके कैडेट्स द्वारा कराई थी। वीडियो के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ, इस वीडियो में तो सच दाइने सच बताऊंगा, लेकिन बाद में पूरी मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट अपने उसमें वीडियो में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको बता दी सच दाइने सच क्यों कराते हैं। भैया सारे आ रहे हैं चल के, और भैया इनको बोला था एक लाइन में चल के आना, भैया एक लाइन में चलते नहीं है, गड़बड़ कर देते हैं, और ऐसे में निरीक्षण करना चाहते हैं, निरीक्षण करने वाले बोले पहले इनको सीधा करो। तो ऐसे में कमांडर क्यों कार्रवाई करवाता है, क्या कार्रवाई करवाता है, सच दाइने सच की। अब मेरी भाषा मैंने तो बोल दिया, आप अभी सुन लीजिए सारी चीज़, ठीक है। अब ध्यान रखना ये भी चार स्टेप में होती है, वो आपको समझना पड़ेगा, देखिए। तो आप देख लेते हैं, दाइने सच, एक दो, ये फिर ये रखा, फिर ये गर्दन वहीं रहती है जब तक नहीं आगे आती है छिपन होने पे। अलग अलग कराया जाता है हर इसमें कॉलेज में, मतलब जो भी है। ठीक है, ये हमारी क्या थी, कार्रवाई थी, मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखना। तो यही होती है कार्रवाई सच दाइने सच का, सच दाइने सच। अब ये देख रहे हो, ये जो उन्होंने इन्होंने अभी हमारे डेढ़ स्टेप हुए हैं, तो डेढ़ स्टेप का मतलब यहाँ 45 इंच का लिया हुआ है। जो पहला स्टेप होता है पूरा वो होता है 30 इंच का, जो आधा स्टेप होता है वो हमारा 15 इंच का। ऐसे आपको ओपन और क्लोज लाइन में जो होता है ना, ओपन लाइन में मैंने आपको बताया डेढ़ स्टेप का लिया जाता है, तो जो पहला स्टेप उसमें लिया जाता है वो 30 इंच का होता है, और जो आधा स्टेप लिया जाता है वो आपको 15 इंच का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपन लाइन में हम कितने इंच आगे चलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 45 इंच आगे चलते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। एक बार और वीडियो देख लीजिए, पूरी चीज़ बताऊंगा एक एक। ये जो है ना देखो, अब ये मूवमेंट नहीं कर रहा, अब इसका मतलब अलग अलग है चीज़ें यार, अब आज समझ में आ रहा है कि राइट मार कर रहा है, हिलते नहीं है, क्योंकि अगर यही हिल जाएगा तो हम सेट कैसे करेंगे इसको लेके, है ना। ठीक है, ये आपको क्या है ध्यान रखना, ये वही है कि जैसे अब ये राइट मार कर ये खड़ा था, अब भैया ये इसका काम ये है कि इसको देख के हम सारे करेंगे। अब मान लीजिए घर में कोई एक बंदा समझदार नहीं है, तो घर कैसे समझ सकता है वो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है चीज़ें से, है ना, ये आपको क्या है ध्यान रखना है। अब थोड़ा नोट बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो साइजिंग एंड फॉर्मिंग से तो ध्यान रखना, ओपन और क्लोज लाइन में आगे या पीछे 45 इंच चला जाता है। तो मैंने आपको बताया जो हमारा पहला फर्स्ट स्टेप होता है, यानी एक कदम में हम कितने इंच लेते हैं, तो ध्यान रखना 30 इंच क्वेश्चन पूछा जाता है, अब इसे ध्यान रख लेना। और जो आपका 1.5 कदम स्टेप होता है उसमें कितना लिया जाता है, तो ध्यान रखना 15 इंच, 15 इंच, यानी टोटल जो 1.5 कदम में कितना लिया था, 45 इंच। मैंने अभी आपसे बोला था ओपन लाइन में जो पहली और दूसरी के बीच है वो कितने स्टेप होता है, तो ध्यान रखना 2.5 का होता है ना, पहली और दूसरी के बीच ओपन लाइन में 2.5 कदम का। अब 2.5 कदम में कितने इंच का होगा, तो मैंने आपको बताया 1.5 कदम में हमारा कितना होता है, 45 इंच। अब 1 कदम हो रहा है तो कितना होता है, 30 इंच, तो कितना हो गया टोटल, 5 और 3 7, 75 इंच का लिया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ओपन लाइन में पहली और तीसरी के बीच में कितना होता है, तो 5 स्टेप होता है। 5 स्टेप में का मतलब अभी आपने बताया था सर, 2.5 2.5 में, कि 2.5 में कितना होता है, तो 75 होता है, तो 5 में कितना हो जाएगा, 5 कदम में 150 इंच। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर आप सी के एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है, आपको चीज़ें, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा क्या है, ओपन और क्लोज लाइन में बायां पैर 30 इंच, मैंने आपको बताया ना ओपन एक क्लोज में जो बायां पैर होता है, यानी जो बाएं पैर से चालू करवाते हैं कार्रवाई लेफ्ट पैर से, तो जो बायां पैर 1 कदम वाला होता है उसे 30 इंच का होता है, उसके बाद जो आधा दायां पैर होता है उसको हम क्या करते हैं, 15 इंच का लेते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। यानी जो 1 कदम लेते हैं वो लेफ्ट वाला लेते हैं, और जो आधा कदम स्टेप रखते हैं 15 इंच का होता है वो राइट वाला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ उसके आगे बात करता हूँ मैं, ओपन और क्लोज लाइन की कार्रवाई में बीच वाली फाइल मूवमेंट नहीं करती, तो आपको वीडियो के थ्रू अच्छे से पता चल गया होगा। ओपन, अब यहाँ क्वेश्चन बनते हैं तो आपके डाउट है ना, यहाँ सारी लिख लेना, ये मैंने आपको एक साथ दे दिए, ये ओपन और क्लोज में। तो ओपन लाइन की कार्रवाई में पहली और दूसरी वाली फाइल के बीच में
बीच में 2.5 कदम का स्टेप होता है, मैंने आपको बताया। और 2.5 कदम कितने इंच का होता है तो ध्यान रखना 75 इंच का होता है, अगर यहाँ इंच में पूछा जाता हूँ। 2.5 स्टेप होता है वैसे 75 इंच। ओपन वाली लाइन में जो पहला और जो थर्ड वाली फैन के बीच में कितना होता है, 5 कदम यानी 150 इंच, मैंने आपको बताया। ओपन कार्रवाई में जो सेकंड और थर्ड के बीच वाली फाइल यानी सेकंड और थर्ड के बीच में कितने का 1.5 स्टेप का होता है यानी 75 इंच, यानी अपोजिट हो जाएगा पहला और उसके साथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और दूसरा है क्लोज, इसमें क्लोज ड्रिल लाइन में, तो क्लोज लाइन में जो कार्रवाई होती है पहली और जो दूसरी वाली फाइल के बीच 1 कदम का स्टेप होता है, 1 कदम का, 1 कदम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 कदम का तो 30 इंच का है ना। क्लोज कार्रवाई में एक पहली और थर्ड वाली के बीच में 2 कदम का होता है, यानी 2 कदम का मतलब 60 इंच का, ये ऐसे समझना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी हार्ड बनाए पेपर, एक तो क्वेश्चन फिलिंदा ब्लैंक में पूछ लिया जाता है, ठीक है, टिक मार्क में। क्लोज लाइन कार्रवाई में सेकंड और थर्ड वाली फाइल के बीच में 1 कदम का फासला होता है। मैंने सारी वीडियो के थ्रू आपको एक एक चीज़ें बता दी ताकि आपको कोई दिक्कत भी ना हो, ठीक है ना। अच्छे से एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आज का नेक्स्ट है हमारा क्या, पीरियड पर। अभी पीरियड पर क्या होता है सर, ये जो मैंने लिखा है ना ये भी मत पढ़ना, ये मैंने ये पढ़ा है ये भी मत पढ़ना, ये लिखा है मैंने ये भी मत पढ़ना, बस आपको पढ़ना क्या है ये पढ़ना। तो बोलोगे सर आप ये क्यों लिखा है यार, बस एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, चीज़ें कैसे समझोगे आप जब प्रैक्टिकल करोगे ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, मेरे को खुद याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पता हुआ चीज़ें। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी एग्जाम पूछा हुआ था, वो क्वेश्चन आपको यहाँ से बताऊंगा। तो पीरियड पर होता है एक मतलब कार्रवाई होती है पीरियड पर, ठीक है, ध्यान रखना। जो पीरियड पर होती है कार्रवाई होती है, आप कॉम्पिटिशन में जाओगे तो वहाँ चीज़ों को देखा जाता है, एक बुक में के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब बुक के अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पर आपको प्रेजेंट करा है कि क्या क्या मतलब वहाँ पर चीज़ें होती है आपके प्रैक्टिकल में। तो ध्यान रखना पीरियड पर क्या होता है, स्क्वाड, स्क्वाड का मतलब बोलोगे सर, स्क्वाड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैडेट्स, ग्रुप ऑफ कैडेट्स मतलब जो कैडेट्स चलाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ उसमें कमांड, एक कमांडर के द्वारा, तो होता है कैडेट्स होते हैं। जो स्क्वाड होती है ना परेड ग्राउंड, और मैंने आपको बताया था कि जो एनसीसी में आपको पता है क्लोज ड्रिल होती है, क्लोज ड्रिल जो होती है परेड ग्राउंड में होती है, ओपन ड्रिल कहाँ होती है मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ओपन ओपन ड्रिल कहाँ होती है, ओपन ड्रिल कहाँ होती है मेरे को एक कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, बताओगे ना सारे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जो आपकी ओपन ड्रिल है वो कहाँ होती है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर मैंने आपको बता दी क्लोज ड्रिल तो परेड ग्राउंड में होती है, लेकिन ओपन ड्रिल बतानी कहाँ होती है और किस दौरान होती है। स्क्वाड यानी परेड ग्राउंड के सामने की दिशा में, यानी जो परेड ग्राउंड होता है, मान लीजिए परेड ग्राउंड है ये परेड ग्राउंड है ना। अब यहाँ पर हम सभी खड़े हैं कैरेट्स, ये बैरे बैरे लगा के यहाँ सभी कैरेट्स खड़े हुए हैं, गर्ल्स बॉयज जो भी हैं तो यहाँ खड़े हुए हैं। तो परेड ग्राउंड का सामने की दिशा में 3 रैंक बनती है, यानी जब भी हम कंपटीशन देते हैं 3 रैंक, जैसे मैंने आपको बताया ना ये जैसे कार्रवाई दे रहे थे, ये देखिए ये देख रहे हो, ये 3 रैंक बन रही है। अब ये भी एक क्या है, परेड है, परेड ग्राउंड में इनकी कार्रवाई हो रही है, तो 3 लाइन बनती है, देख रहे हो, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये 3 लाइन बन रही है, मतलब पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन, ये आपको। तो यहाँ वो चीज़ें समझाने का मतलब यही है मेरा अच्छे से कि, है ना, तो 3 लाइन बनी है, 3 लाइन बनती है, ये आपको ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया। ये आदेश मिलने पर सभी कैडेट विश्राम की अवस्था में हो जाते हैं, है ना, ये बस ये मत पढ़ ली। जैसे हम कार्रवाई आ रहे हैं ना, कार्रवाई मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि जो यहाँ खड़े हैं कैडेट सच दाइने सच कराते हैं, तो यहाँ से साथ देखो ये खड़े हुए हैं, देखो हिल रहे हैं, अब इनका नंबर आएगा एकदम सारे विश्राम हो जाएंगे विश्राम, और जैसे ही इनका कार्रवाई होगी तो कमांडर सावधान कराएगा, फिर वहाँ से कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो वही हमारी परेड उसमें होती है, ठीक है। और जब कार्रवाई शुरू कर देते हैं जहाँ पर इनको परेड करनी पड़ती है प्रेजेंट, वो 15 कदम पर आके रुक जाते हैं, फिर उसके बाद सच मतलब लेफ्ट और राइट होते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ें सारी मैंने लिखी है, इनको पढ़ लेना। तो यहाँ पर जो ऑर्डर दिया था दाहिने दिया जाता है ना, दाहिने चल ना, फिर इसके दर्शक। अब इसमें जो परेड है, या आदेश मिलने पर स्क्वाड 3 कदम से 15 कदम आगे बढ़ती है और रुक कर विश्राम हो जाती है वहाँ पर, मतलब उसके आगे कार्रवाई होती है। दर्शक और स्क्वाड सावधान हो जाते हैं, हिंदी इंग्लिश में लिख रखा है, ध्यान रखना कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्वाड सामने की ओर 15 कदम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताऊंगा अभी, 15 कदम आगे बढ़ती है और स्वयं ही सच दाने सच की कार्रवाई के बाद विश्राम हो जाती है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना। उसके बाद फिर निरीक्षण करते हैं, फिर उसके बाद सिक्स टर्निंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना, फिर क्लोज, फिर राइट फ्रंट सल्यूट, ये आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है परेड पर में आदेश पर स्क्वाड कितने कदम आगे चलती है, यानी हाउ मेनी स्टेप डज द स्क्वाड टेक द कमांड ऑफ एट द परेड। तो आपको ध्यान रखना कितना आंसर है, मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 15 स्टेप, तो भैया नोट करके लिख लीजिए 15 कदम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बस मैंने पूरा अच्छे से एक एक चीज बता दी मैंने आपको सारी, ठीक है ना। अब हमारा एक चीज बता हुआ है, क्या बचा हुआ है कि हमारी जो गार्ड से हम वो करते हैं ना गार्ड, तो उस समय जो हम सलामी सत्र होते हैं, जैसे हम ऐसे सलामी सत्र आते हैं, तो उसमें जो आंखों के सामने कितने का इंच बन रहा है, पेट के सामने कितने का बन चल रहा है, तो और जो हमारे रजिस्टर बेल्ट के सामने कितना और राइफल्स कितनी दूर है उसके बीच कितने का इंच हो रहा है, तो मैं आपको विद अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताऊंगा। तो बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी, ठीक है ना, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, वो सारा हमारे ड्रिल और कमांड्स का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो बस
वही हमारा कंप्लीट कराना है, और रिलेवेंट जो क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक करना, ये हमारी वीडियो बन चुकी है पहले हिस्ट्री ऑफ एनसीसी के ऊपर, है ना, अबाउट एनसीसी फ्लैग और एनसीसी स्ट्रक्चर। आपकी जो भी क्वारीज है आरडी सिलेक्शन प्रोसेस, तो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो। इसमें इवेंट कौन कौन से होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से सिलेक्शन स्टार्ट होता है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन आरडीसी कैंप एंड पीएम रेवी जो आपको 28 और 26 जनवरी को कराई जाती है, आर्मी वेवी इंक के कितने कितने कैडेट्स होते हैं, वो सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर रखी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना मैंने आपको आंसर पूछा हुआ है किसका। एक तो आपको क्लोज डील बतानी है जो कहाँ कराई, मतलब जो ओपन डील है वो कहाँ कराई जाती है, ये आपको ध्यान रखना। और सेशन में अगर आपको सेशन अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, अपने वरिष्ठ को भी शेयर करना, और जो चैनल पर पहली बार देख रहा है जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरे को फॉलो कर लीजिए कुलदीप इंडिया 405। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, तो आपको जहाँ क्वारीज है यहाँ पर पीडीएफ तभी तमाम क्लियर जाता है, तब तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।